जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उसे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। दोस्त, न जाने तूने कितने वीडियोस देखे हैं, प्रॉब्लम्स के वक्त क्या करें, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स से कैसे निपटें, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें और न जाने क्या क्या। तो आज ये प्रॉब्लम्स का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तो आज मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी एक सर की। दोस्त, मैंने इतने वीडियोस बना के एनालाइज किया है। मोटिवेट करने के दो तरीके हैं, या तो स्पीच या तो स्टोरी। तो दोस्त, तू मेरा कहा हुआ आज नहीं तो कल भूल जाएगा, लेकिन तू स्टोरी कभी नहीं भूल सकता। दोस्त, तुझे कहानी की एक एक लाइन याद रहती है, कब क्या हुआ और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्त, जब भी तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए तो ये कहानी जरूर याद कर लेना। ये कहानी है एक सर की। एक दिन सर क्लास में आए और उन्होंने एक प्लेन वाइट पेपर सभी बच्चों के हाथ में दे दिया। जब बच्चों ने उस पेपर की तरफ देखा तो उस पेपर के बीच में एक छोटा सा ब्लैक डॉट बना हुआ था। जब सर ने पूछा कि बच्चों, आपको उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, तब सारे बच्चों ने कहा कि सर, पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा, बच्चों उस पेपर में आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों ने फिर वही कहा कि सर, पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर पूछा और जवाब वही मिला। करीबन 10 से 12 बार सर ने बच्चों से पूछा कि तुम लोगों को पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, पर बच्चों का जवाब नहीं बदला। यही सवाल मैं तुझसे भी पूछता हूँ कि इस पेपर में तुझे क्या दिखाई दे रहा है। अब अपने जवाब को संभाल के रखना, क्योंकि सर ने जो कहा वो सुनने लायक था। सर ने बोला कि बच्चों, मैंने तुम लोग से कितनी बार पूछा कि तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हर बार तुम लोगों ने उस ब्लैक डॉट के बारे में ही बताया। क्या तुम लोगों को उस ब्लैक डॉट के बाहर इतना बड़ा वाइट कलर का पेज नहीं दिख रहा है। तो दोस्त, तू भी तो यही करता है ना। भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, उसमें जरा सी प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, मुसीबतें क्या आ जाती है, तू तो अपना सारे के सारे काम में डिमोटिवेट हो जाता है और सिर्फ उस ब्लैक डॉट के बारे में सोचता रहता है। मैं तुझे फिर कहता हूँ, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के सोचो, और कुछ हटके सुनना है तो इस एंगल से सोचो। दोस्त, जब भी दुख हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, ये दुख नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ये सिचुएशन है, ये एक गेम है। इस सब का मकसद तुझे मजबूत बनाना, तुझे निखारना है। तुझे पुरानी सोच अपनी बदलनी होगी और ये लाइन अपने दिल में बसा लेना, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत दोस्तों, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत दोस्तों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो दोस्तों, आपको सबसे इंस्पायरिंग बात क्या लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो, लाइफ में थोड़ी सी भी मोटिवेशन की कमी हो तो मोटिवेशनल फ्लाइट में आपका स्वागत है। सीट बेल्ट बांध लीजिए और प्रॉब्लम से बोलिए टाटा बाय बाय, और ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। डेस्टिनेशन सक्सेस।